अस्तित्व आप ही ने हमें दिया है, कर्तव्य बोध भी आप ही हमें दो, इस जग को अलौकिक कर सके ये शक्ति भी आप हमें दो। माहेश्वरी समाज का उत्पत्ति दिन श्री महेश नवमी के स्वरूप में मनाया जाता है। माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति संक्षिप्त रूप में दिखाने का छोटा सा प्रयास। जय महेश। गांव खड़ेला में खड़गल सेन राजा राज्य करता था। उसके राज्य में सारी प्रजा सुख और शांति से रहती थी। राजा धर्मावतार और प्रजा प्रेमी था, परंतु राजा को कोई पुत्र नहीं था, इसलिए राजा और रानी चिंतित रहते थे। राजा ने मंत्रियों से परामर्श कर पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। राजा ने श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करवाकर ऋषियों से आशीर्वाद व वरदान मांगा। ऋषियों ने वरदान दिया और साथ साथ ये भी कहा कि तुम्हें जो पुत्र होगा वो बहुत ही पराक्रमी होगा, वो चक्रवर्ती राजा होगा, परंतु 16 वर्ष की अवस्था तक उसे उत्तर दिशा की ओर न जाने देना। राजा ने यह स्वीकार किया। राजा की 24 रानियां थी। समय पाकर उनमें पंचावती रानी गर्भवती हुई और पुत्र को जन्म दिया। राजा ने पुत्रोत्सव बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया। ज्योतिषियों ने राजकुमार का नाम सुजान कुंवर रखा। सुजान कुंवर बहुत ही प्रखर बुद्धि व समझदार निकला। थोड़े समय में वो विद्या व शस्त्र विद्या में आगे बढ़ने लगा। दैव योग से मुनि खड़ेला नगर में आए और सुजान कुंवर उनके उपदेश से प्रभावित हो गया और धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली और राज्य भर में धर्म का प्रचार आरंभ कर दिया। एक दिन राजकुमार 72 उमराओं को साथ लेकर शिकार खेलने के लिए जंगल में गया और वहां उसने उमराओं से कहा कि आज हमें उत्तर दिशा की ओर चलना है। सूर्य कुंड के पास जाकर राजकुमार ने देखा, यहां तो 6 ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, वेद ध्वनि बोल रहे हैं। ये देखते ही सुजान कुंवर आग बबूला हो गया और क्रोधित होकर कहने लगा कि इस ओर मुनि यज्ञ करते हैं, इसलिए पिताजी ने मुझे इधर आने से रोक रखा था, मुझे भुलाव दिया जा रहा था। उसी समय उसने उमराओं को आदेश दिया, यज्ञ विध्वंस कर दो और ये यज्ञ सामग्री नष्ट कर दो। उमराओं ने आदेश पाते ही ऋषियों को घेर लिया और यज्ञ विध्वंस करने लगे। ऋषि भी क्रोध में आ गए और उन्होंने श्राप दिया कि सब पत्थरवत हो जाओ। श्राप देते ही राजकुमार सहित सारे उमराव पत्थर के हो गए। जब ये समाचार राजा खड़गल सेन ने सुना तो अपने प्राण तज दिए। राजा के साथ 16 रानियां सती हुई। राजकुंवर की कुंवरानी चंद्रावती उमराओं की स्त्रियों को साथ लेकर ऋषियों के शरण में गई, अनुनय विनंती की और श्राप वापस लेने की प्रार्थना की। तब ऋषियों ने उन्हें बताया कि हम श्राप दे चुके हैं, अब तुम भगवान गौरी शंकर की आराधना करो। यहां निकट ही एक गुफा है जिसमें जाकर भगवान महेश का अष्टाक्षर मंत्र का जाप करो। भगवान की कृपा से वो पुनः शुद्ध बुद्धि वाले व चेतन हो जाएंगे। राजकुमारानी सारी स्त्रियों सहित गुफा में जाकर तपस्या करने लगी। दत्तचित से तपस्या में लीन हो गई। भगवान महेश उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वहां पधारे। झट पार्वती जी ने भगवान शंकर से इन जड़वत हुई मूर्तियों के बारे में चर्चा आरंभ की तो राजकुमारी ने आकर पार्वती जी के चरणों में प्रणाम किया। पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती हो, धन पुत्रों से परिपूर्ण हो, तुम्हारे पतियों का सुख देखो। इस पर राजकुमारानी ने कहा, माता हमारे पतिदेव तो ऋषियों के श्राप से पत्थरवत हो गए हैं, अतः आप इनका श्राप मोचन करो। पार्वती जी ने भगवान महेश जी से प्रार्थना की कि महाराज इनका श्राप मोचन करें, इन्हें मोह निद्रा से मुक्त कर चेतना में लाइए। इस परम भगवान ने उन्हें चेतन कर दिया।
चेतन अवस्था में आते ही उन्होंने महेश पार्वती को घेर लिया। इस पर भगवान महेश ने कहा कि क्षमावान बनो और क्षत्रित्व छोड़कर वैश्य वर्ण धारण करो। उमराओं ने स्वीकार किया परंतु हाथों से हथियार नहीं छूटे। इस पर भगवान महेश ने कहा, सूर्य कुंड में स्नान करो। फिर सब ने सूर्य कुंड में स्नान किया, तब उनके हथियार पानी में गल गए। उस दिन से इस कुंड का नाम लोहा गल लोहा कर हो गया। स्नान कर भगवान महेश की प्रार्थना करने लगे। भगवान महेश ने कहा कि आज से तुम्हारी जाति पर मेरी छाप रहेगी, यानी तुम माहेश्वरी कहलाओगे और तुम व्यापार कर इसी में फूलोगे फलोगे। उस दिन ज्येष्ठ शुद्ध नवमी थी, इसलिए माहेश्वरी समाज उत्पत्ति दिन श्री महेश नवमी उत्सव स्वरूप में मनाया जाता है। जय महेश। प्रोजेक्ट बाय महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी युवा संगठन। अध्यक्ष शरद काबरा, सचिव मयूर सोमाणी, सह सचिव पवन जाजू, नवीन बिरला, आकाश मणियार, अभिषेक मुंदड़ा, अमित कासट। प्रोजेक्ट चेयरमैन मनीष बाहेती, उपाध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी युवा संगठन। प्रोजेक्ट डेवलप बाय विशाल मंत्री नीलेश झवर, श्री माहेश्वरी युवा संगठन जलगांव।